स्वागत है आप सभी का आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग जितने भी यहाँ पर जो ग्रंथ हैं मुहूर्त के, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, शास्त्रोक्त शास्त्र के हिसाब से जो प्रमाण यहां पर है उसकी ए टू जेड जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त कल्पद्रम हो या परंपरागत मुहूर्त हो, जितने भी मुहूर्त के एक साथ जो इसके प्रमाण हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कौन से महीने के अंदर ग्रह प्रवेश शुभ होगा। अलग अलग महीनों की जानकारी के साथ मैं यहां पर एक श्लोक दो पंक्ति का है उसको आपको बता रहा हूं। उसके बाद लगभग इसी प्रकार से हर पुस्तक के अंदर, हर मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त शास्त्र के अंदर यह बताया गया है कि कौन से महीने में ग्रह प्रवेश शुभ है। यहां पे का माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने चैत्रथे अर्थ हानि धन धान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ ज्येष्ठेज मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रुभय प्रदस्य। बहुत संक्षिप्त में इसका अर्थ हम समझ लें। यहां पे का माघे अर्थ लाभ, अगर माघ के महीने में ग्रह प्रवेश करते हैं तो धन का लाभ होता है, अर्थ का लाभ होता है। यानी स्पष्ट हो गया कि माघ का महीना ग्रह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ माना गया। दूसरा यहां पे कहा माघ के अलावा प्रथमे प्रवेश पुत्र तलाभ खलु फाल्गुने च, अगर हम फाल्गुन के महीने में करते हैं तो पुत्र, पुत्रार्थ और धन का लाभ दोनों हमें इसमें मिलते हैं, जबकि चैत्रते अर्थ हानि, चैत्र के अंदर यहां पर धन हानि का योग लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से पौष के महीने में भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें यह भी कारण है कि इन दोनों महीने के अंदर सूर्य खरमास लग जाता है, सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए मैं पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से उसको भी स्पष्ट कर चुका हूं कि इन महीनों में ग्रह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बनता है। वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, वैशाख के महीने में भी यहां पर पुत्र और पशु आदि का लाभ, धन धान्य का लाभ यहां पर बताया गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम, अर्थात ये चार महीने जो हैं यहां पर शुभ बताए गए। ज्येष्ठ के महीने में ग्रह प्रवेश का क्या रहेगा, 12 महीने के जो ग्रह प्रवेश की जो तिथियां हैं वो मैं आपको डेट वाइज तो जानकारी देता ही हूं, लेकिन अलग अलग महीनों पर मैं आपके साथ 12 एपिसोड तैयार किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब हम जब यहां पर ज्येष्ठ के महीने की बात कर रहे हैं तो ज्येष्ठ के महीने में ग्रह प्रवेश करने में कोई दोष नहीं है, अपितु यह श्रेष्ठ महीनों के अंदर आता है। लेकिन जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं उन सबको भी इस पे फॉलो करना है, ये नहीं कि ज्येष्ठ का महीना है तिथि रिक्तता ले ली, अमावस्या ले ली, ग्रहण काल ले लिया, तो इन सब चीजों को देखना है और उत्तम मुहूर्त का चयन करना है। सारे नियम और विधि मैं आपको बता रहा हूं तुम्हें तो क्या करना है। दो चीजें पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, सबसे पहले तो अपने राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता उस दिन को देखें, आपकी राशि से चंद्रकुंडली बनाएं, आपकी राशि से चंद्रमा उस दिन 8वें नहीं होने चाहिए, 12वें नहीं होना चाहिए और 4थे चंद्रमा नहीं होने चाहिए, बाकी चंद्रमा शुभ होगा। उस दिन का पर्टिकुलर लग्न आप तय करें कि किस लग्न में आप जो ग्रह प्रवेश करने का जो एक प्रोसेस उसको जो आप फॉलो करेंगे उसके लिए एक निश्चित लग्न निकालें, जो कि स्त्री लग्न होना चाहिए, या सिंह लग्न में करें, वृषभ में करें, या फिर वृश्चिक में करें, या कुंभ लग्न में करें। आपको चर लग्न के अंदर बिल्कुल भी ग्रह प्रवेश नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्रूर वारों से बचें, रवि और मंगल विशेषकर ग्रह प्रवेश के लिए अशुभ माना गया है, दो वारों के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। तिथियों में बात करें तो रिक्ता तिथि और अमावस्या इस तिथि को बिल्कुल नहीं करना है। नक्षत्रों की बात करें तो स्त्र संज्ञक नक्षत्र, मृदु संज्ञक नक्षत्र, इन नक्षत्रों के अंदर प्रवेश करना है।